ना खिजा में है कोई तीरगी, ना बहार में रोशनी, ये नजर नजर के चराग है, कहीं जल गए कहीं बुझ गए। जब हम विश्व बाजार में आत्मनिर्भर भारत की सफलता या असफलता का विश्लेषण करते हैं, तब यह समीक्षा मुख्यतः दो बिंदुओं के आधार पर होती है, आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य और इसकी क्षमता। पुराने स्वदेशी आंदोलन के विपरीत आत्मनिर्भर भारत गतिशील होने के साथ एक लचीली अर्थव्यवस्था बनाने का दावा करता है, परंतु एक अनियोजित कार्यप्रणाली इसे एक अक्षम ब्रांडिंग का तरीका बताती है, क्योंकि विदेशी स्तर पर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद हम स्वदेशी स्तर की सत्यता को नजरअंदाज करते हुए नहीं कर सकते। क्रय शक्ति में कमी को देखते हुए मात्र राष्ट्रीय भावनाओं के नाम पर स्वदेशी वस्तुओं के लिए स्वेच्छा से अधिक भुगतान करना हमारे लिए असुविधाजनक होगा, और खासकर तब जब हमारे पास इसके कई सस्ते विकल्प मौजूद होंगे। वहीं घरेलू वस्तुओं के संवर्धन के लिए यदि संरक्षणवाद की ओर रुख किया जाए और आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई जाए, तो इससे ना अतीत में लाभ हुआ है और ना आज हो पाएगा। यहाँ मात्र उपभोक्ताओं और उत्पादकों को क्षति पहुंचाने का एक कारण बनेगा। इसके अलावा वैश्वीकरण के दौर में उत्पादन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। किसी एक वस्तु के उत्पादन के लिए कोई देश नवाचार प्रस्तुत करता है, कोई देश निवेश करता है, कोई देश संयोजन का कार्य करता है, और इसी प्रकार से विभिन्न देश आपूर्ति श्रृंखला में भाग लेते हैं। ऐसे में उत्पाद के मूल देश का पता नहीं लगाया जा सकता है, जिससे विक्रेता और खरीदार के बीच विषम जानकारी अधिक हो जाती है। नतीजन उपभोक्ता तय नहीं कर पाता है कि क्या यह उत्पाद पूर्ण रूप से स्वदेशी है भी या नहीं। हमें हमेशा इस महामारी को एक अवसर के रूप में देखने को कहा गया, जहां हम अपनी अर्थव्यवस्था को घरेलू व वैश्विक निर्माताओं और निवेशकों के लिए अधिक तन्यक, विविधतापूर्ण और आकर्षक बना सकेंगे। भारतीय उद्योग परिषद ने 2020 में अपने एक विवरण में कहा कि विभिन्न देशों की डगमगाती अर्थव्यवस्था की चिंता और चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें एक सहयोगी दृष्टिकोण अपनाना होगा, और यही देखते हुए भारत ने पुनः वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को जागृत किया। और जब भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना राजनीतिक सशक्तिकरण कर रहा था, तब विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए भावनात्मक रूप से प्रेरित करना आत्मनिर्भर भारत की गलत व्याख्या को संबोधित करने लगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला कदम घरेलू उद्यमों को वैश्विक इकाइयों के बराबर लाना होता है, और ना कि विदेशी उत्पादकों का बहिष्कार करना। इसके खिलाफ यदि अन्य देश भारत पर प्रतिबंध को मंजूरी दे दे, तो उसका खामियाजा हमारे उभरते निर्माताओं को उठाना पड़ेगा। इससे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक विश्वसनीयता रेटिंग में गिराव आएगा, FDI FPI में कमी होगी, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों हमारे देश में व्यापार के माहौल पर संदेह भी उठा सकेंगी। मित्रों, हम एक संभावित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की क्षमता रखते हैं, लेकिन भारत की अंतर्निहित क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इसकी वैश्विक निर्भरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए बाहरी और आवक दिखने वाली नीतियों का मिश्रण ही समय की आवश्यकता है, क्योंकि आत्मनिर्भरता एक अच्छी कहानी तो है, परंतु शीघ्र विकास उसका वह अंत नहीं है जो आप अपेक्षा करते हैं। इसीलिए हमें अपनी क्षमताओं को रणनीतिक और वास्तविक रूप से उभारना होगा, क्योंकि रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर अंधेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची की उषा से मोहिनी मुस्कान फिर फिर, नीर का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर। धन्यवाद।